थर्ड चैप्टर भगवद गीता अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरी मांग्नियोजयसि केशव वैमिश्रेणेव व्याख्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वदने स्थित्य येन श्रेयमाप्नुवम्। श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठ्या पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान जग्गी ज्ञान जोगी न सांख्याणां कर्म जोगी न जोगिनां न कर्माणां अनारंभा न कर्म पुरुषोत्तते न च सन्नासनादिव सिद्धिं समधि गच्छति नहीं काचित् कनमपि जातु तिष्ठत कर्मकृ कार्यते यवत कर्म सर्व प्रकृति जै गुणै कर्मेन्द्राणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियाठान विमोरात्मा मिथ्याचार सौच्यति जस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते जनां कर्मेन्द्रियै कर्मजोग मसक्त सविशिष्टति जज्ञाथात् कर्मणोऽन्यत्र लोकं कर्मबन्धनं तदर्थं कर्मकोऽन्तीय मुक्तसङ्गं समाचर सहो जज्ञः प्रजा सृष्ट्य पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविषद्भ्या मेष वस्तिष्ठ कामधू दीवान भावयतानेन ते दीवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्त्यः श्रेयः परम वार्षतः इष्ट्यान् भोगान् हितो दीवा दास्यन्ति जग्गभावितः दत्यान् प्रदायुभ्यो जो भुङ्क्ते स्तेनैव स अन्याद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भव यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भव कर्म ब्रह्माद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं जगे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तति हजा अभायुरिन्द्रियाणां मोघं पाश सजीवति जस्यात्मरतिरेव स्याद्यात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्ट्यस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो कृतेनाकृतिनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थमपाश्रय तस्माद् असत्त सततं कार्यं कर्म समाचर असत्तो जाचरं कर्म परमाप्नोति पुरुषः
कर्मण ही संग सिद्धि मा स्थिता जनकादय लोगो संग्रामी बापी संपत्तन कर्तुमर है। जद जदा चरति श्रेष्ठ तत्देवी तरो जना सज प्रमाण कृति लोकस्तवर्तति न मे पाठासी कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यम वर्तैव च कर्मणि यदिज्ञं न वर्तीयं जातु कर्मन्न तन्द्रितः ममो वत्वान् वर्तन्ति मनुष्याः पाथ सर्वथा। उसिदेयुनि मे लोका न कुर्यां कर्मचेदहं संकरस्य च कस्याश्या मुपहन्या मिमाप्तया न बुद्धि भीरं जनये दज्ञानां कर्मसंग्राम जोषये सर्वकर्माणि विद्यानयुक्त समाचरन् प्रतिक्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वतः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्नति। तत्तवित्तु महाबाहो गुणकर्म विभावयो गुणागुणेषु वर्तन्त्य धीमत्या न सज्जति। प्रकृते गुणसंमूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्यान् कृष्णविन्याभिचाले जेमे मत्मिदं नित्यं मनो तिष्ठन्ति मानवा सद्यावन्त न शूयन्त्य मुच्यन्ते ते विकर्मभिः दीते तादभ्य शूयन्त नानुतिष्ठन्ति मे मतं सद्वज्ञानविमूढाश्चान् विद्धि नष्टो न चेततम् सदृशं च सति सस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियास्तेन्द्रियास्साक्षे रागद्वेषोपवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत्तो यस्य परिपन्थिनौ धर्मभिगुणौ परधर्मा समस्थितौ स्वधर्मी निधनं श्रीह परधर्मा भयावहौ। अर्जुन वाच अत केन प्रदिक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नभिवासनीय बलादिव नियोजितः। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव महासन महापापमा वित्त एनम इह वैरिनम धूमेन आव्रियते वन्ने यथा दर्शो मलेन च जथोल्लेना वृतो गर्भ तथा तेनावृत इदम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्टुरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतै विमोहयति स ज्ञानमावृतदेहिनम्। तस्मात्तम इंद्रियान्नादो नियम भरतर्षभ पापमानं प्रजहि गेनं ज्ञान विज्ञानं नाशनं। इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धि परतस्तु सा
एवं बुद्धि परम बुद्धिया संसभ्यात्म नमात्मना जही सत्र महाबाहो काम रूपं दुरासदम। ओम तत्सति श्रीमद्भागवत भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्री श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योग नामा तृतीय अध्याय।